हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्क विद निकुच। आईडीबीआई की नोटिफिकेशन आ गई है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो तैयारी करिए उसके लिए। आज से फ्री मॉक टेस्ट अप्लाई हो गया है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो उसका फ्री मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। इट इज अबाउट इंडिया पोस्ट कोविड रिकवरी। इंडिया की जो रिकवरी हुई है कोविड के बाद, जो इकोनॉमी गिर गई थी और जो रिकवर हुआ उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियल एडिटोरियल है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ आएगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो द हेडलाइन इज चॉपी चॉपी वाटर्स। चॉपी का मतलब, यू नो, चॉपी वाटर्स मतलब जहाँ पे थोड़ा इनस्टेबल हो, जर्क्स हो। ठीक है, जर्क मतलब हिंदी में बोलते हैं, यू नो, स्पीड ब्रेकर या फिर गति अवरोधक। ठीक है, तो इनस्टेबिलिटी की बात हो रही है। द इकोनॉमी इकोनॉमिक्स पोस्ट कोविड रिकवरी इज फार फ्रॉम कंप्लीट, स्पर्डिंग कंजम्पशन इज द की। जो इकोनॉमी की रिकवरी है वो पूरी होने से बहुत दूर है। ठीक है, पूरी होने से बहुत दूर है। एंड व्हाट इज द की? द की इज स्पर्डिंग कंजम्पशन। स्पर्डिंग का क्या मतलब होता है? स्पर का मतलब होता है इनसाइड या इंस्ट्रूमेंट, उकसाना, यू नो, कंजम्पशन कराना। ठीक है, तो वो की है रिकवरी के लिए। India's GDP is reckoned to have grown 8.7% while the GBA rose 8.1% in 2022 as per National Income Estimates released on Tuesday. India ka jo GDP hai wo reckoned to have grown, theek hai, to wo reckon kiya jata hai, usse believe, you know, expect to be true, aisa dekha jata hai, aisa socha jata hai ki wo itni grow hui hai, wo 8.7% grow hui hai, theek hai. ये कहने का मतलब है, जबकि जीबीए जो है 8.1% बढ़ी है एज पर नेशनल इनकम एस्टिमेट्स के हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड इज वो। द लेटेस्ट नंबर शो इंडिया इज इमर्जिंग आउट ऑफ द टनल ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड वोज। ठीक है, तो वो का मतलब होता है ग्रेट सोरो, यू नो, बहुत ज्यादा दुख हो, माइजरी हो। ठीक है, वैसा सौरव हो। तो लेटेस्ट नंबर दिखाते हैं कि इंडिया जो है पैंडेमिक इंड्यूस्ड, इंड्यूस का क्या मतलब होता है? कॉज समथिंग, यू नो। तो पैंडेमिक से जो दुख आए थे हमारे पास, जो सौरव की कंडीशन आई थी, वो धीमे धीमे उस टनल से बाहर निकल रही है इंडिया। ठीक है, तो ये फ्रेम का मतलब है। नेक्स्ट वर्ड इज एसर्शन। द गवर्नमेंट्स एसर्शन दैट द डेटा एस्टैब्लिश अ फुल इकोनॉमिक रिकवरी इज नॉट एंटायरली ट्रू। एसेशन कहते हैं ऐसा कोई डिक्लेरेशन जिसको, यू नो, बहुत स्ट्रेस के साथ दिया जाता है और उसके साथ कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट बहुत क्लेम के साथ कह रही है कि जो डेटा है वो दिखाता है कि फुल इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, और ये बात पूरी तरह सच नहीं है। कि जो गवर्नमेंट ऐसे एसर्ट कर रही है वो सही नहीं है पूरी तरह से बात। ठीक है, while GVA from industry is up 6.7% over 2019-20, another job creating sector construction is up only 3.4%, while mining has grown a mere 1.9% over the 2-year period. जब GVA हम देखते हैं, ठीक है, वो 6.7% up है, ठीक है, 2019-20 से, construction 3.47 up है, और mining has grown a meager. Meager क्या मतलब होता है? Deficient in amount, मतलब बहुत कम, you know, जितना expected था उससे बहुत कम। तो 1.9% ही mining का growth रहा है, ठीक है, दो साल के period में। Next word is evoke। तो देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है ये sentence। हाँ, overall GDP growth slipped to a 4-quarter low of 4.1% in quarter 4, down from 5.4% in quarter 3, evoking flashbacks of the 2019-20 slowdown and raising concerns about the trajectory going forward. Lamba waqia, aaiye samajhte hain. Overall, matlab mota moti GDP growth jo hai wo 4 quarter low, jo 4 quarters the unme sabse kam wale point pe chala gaya, theek hai, 4.1% mein quarter 4 mein, डाउन फ्रॉम 5.5, क्वार्टर थ्री में 5.4% था, क्वार्टर फोर में सबसे कम हो गया, चार क्वार्टर्स में 4.1%। इवोकिंग का मतलब होता है मेक अपीयर, कुछ लाना। क्या लाना? देखते हैं, फ्लैशबैक्स। फ्लैशबैक क्या होता है? फ्लैशबैक होता है कि अन अनएक्सपेक्टेड बट विविड रिकरेंस ऑफ अ पास्ट एक्सपीरियंस,
कोई आपके साथ कोई बुरा कोई अनुभव हुआ हो, नॉट नेसेसरी बुरा, और उसका वो दिमाग में आना, उसे फ्लैशबैक कहते हैं। तो जो जीडीपी क्रोस स्लिप हुई है वो क्या कर रही है, वो उन फ्लैशबैक्स को वापस दिखा रही है। और कैसे फ्लैशबैक से, वो 2019-20 स्लो डाउन, ठीक है, इसके फ्लैशबैक से। और क्या कर रही है, जो ये नंबर स्लिप हुए हैं वो ये तो कर ही रहे हैं, फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज के बारे में, ट्रेजेक्टरी के बारे में। ट्रेजेक्टरी हमारा अगला शब्द है, इसका मतलब होता है द वे इन विच प्रोसेस इवेंट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो तरीका जिस तरह से वो कोई प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इंडियन इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इसके बारे में कंसर्न्स रेज करता है, ठीक है। ये नंबर्स विथ रिडक्टेंट डिमांड सप्लाई चेन एंड इनपुट कॉस्ट वॉज हर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज लिफ्टेड द Q4 नंबर्स अमिड स्लोअर ग्रोथ इन सर्विस एंड माइनिंग ओवर Q3 एंड अ माइल्ड 2% अपटेक इन कंस्ट्रक्शन। लंबा वाक्य, आइए समझते हैं। विथ रिडक्टेंट डिमांड सप्लाई चेन एंड इनपुट कॉस्ट वॉज हर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, रिडक्टेंट मतलब जो रिसर्च करता है डिमांड को, ठीक है, मतलब कि डिमांड उतनी भरी पूरी नहीं थी, ज्यादा डिमांड नहीं थी, तो कम डिमांड के साथ सप्लाई चेन और इनपुट के कॉस्ट जो है वो वैसे ही हर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। किस चीज को हर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, सर्विसेज को, ठीक है। इन्होंने Q4 के नंबर्स को लिफ्ट किया, सर्विसेज एंड माइनिंग के ग्रोथ में कमी होने के बावजूद एंड अ माइल्ड 2% अपटिक इन कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन का जो ग्रोथ था वो केवल 2% था, ठीक है। तो ग्रोथ को यहाँ पे अपटिक कह रहे हैं, कि अपटिक का मतलब होता है स्मॉल इंक्रीज, ठीक है। तो 2% इंक्रीज के साथ कंस्ट्रक्शन में की बात हो रही है यहाँ पे। अ रिकवरी इन इन्वेस्टमेंट डिमांड हेल्प बाय द कस्ट गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग इज अ सिल्वर लाइनिंग, बट द लिंगरिंग concern is that consumption remains troubled and very under under it recovers private investment will remain aloof as will sustainable high growth, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के डिमांड की रिकवरी, ठीक है, हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट्स कैपिटल, गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है उससे उसकी मदद से जो हो रहा है रिकवरी हुई है वो सिल्वर लाइनिंग है। सिल्वर लाइनिंग एक नाउन टर्म है, इसका मतलब होता है कंफर्टेबल और होपफुल एस्पेक्ट ऑफ एन अदरवाइज डेस्परेट, किसी एक बुरे चीज में कोई अच्छी चीज होना, ठीक है, अच्छा बिंदु दिखना। बट जो ये रिकवरी है वो सिल्वर लाइनिंग है, अच्छी चीज है। बट द लिंगरिंग कंसर्न इज दैट कंजम्पशन रिमेन्स ट्रबल्ड, लेकिन जो कंटिन्यूड कंसर्न है, जो कंसर्न खत्म नहीं हो रहा है, वो क्या है कि कंजम्पशन जो है वो उसमें इश्यू है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ट्रबल है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है। एंड अनलेस इट रिकवर, जब तक वो रिकवर नहीं करता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल रिमेन अलूफ एज विल सस्टेनेबल हाई ग्रोथ। जब तक कंजम्पशन रिकवर नहीं करता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग रहेंगे, अलूफ का मतलब होता है अपार्ट, ठीक है, दूर रहेंगे, एज विल सस्टेनेबल हाई ग्रोथ, और सस्टेनेबल हाई ग्रोथ भी दूर रहेगी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रू 7.9% इन 2021-2022, but it was just 1.2 lakh crore or 1.4% over 2019-20. Private जो फाइनल कंजम्पशन था वो इतना 7.9% बढ़ा, लेकिन वो केवल 1.2 लाख करोड़ या 1.4% 2019-20 का था, ठीक है। Worse, as inflation flared up, households pension growth has steadily dropped through 2021-2022. ग्रोइंग अ मेयर 1.8% इन Q4। और बुरा होने, जो उससे बुरा क्या हो सकता है, वर्स का मतलब, ठीक है, एज इन्फ्लेशन फ्लेयर्ड अप, जैसे कि इन्फ्लेशन जो है वो फ्लेयर अप एक फ्रेजर वर्ब है, मतलब होता है इरप्ट और इंटेंसिफाई सडनली, बहुत तेजी से बढ़ने को बोलते हैं। तो जैसे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा, हाउसहोल्ड की कंजप्शन ग्रोथ है स्टडी ड्रॉप्ड, हाउस होल्ड की जो कंजप्शन ग्रोथ है वो धीमे धीमे डिप कर रही है, ड्रॉप कर रही है, ग्रोइंग अ मेयर 1.8% इन Q4। 1.8% ही केवल Q4 में बढ़ी है। मेयर हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ओनली व्हाट शी स्पेसिफाइड का मतलब होता है ओनली, ठीक है। प्राइस राइज कंबाइंड विद हायर इंटरेस्ट रेट्स कुड स्क्वीज कंजप्शन फर्दर,
कुड स्क्वीज मिडिल क्लास डिस्पोजेबल इनकम एंड डैम्पन कंजम्पशन फर्दर। प्राइस राइज जो है वो इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट रेट के साथ साथ क्या कर सकती है, स्क्वीज कर सकती है मिडिल क्लास डिस्पोजेबल इनकम को। स्क्वीज करना मतलब क्या होता है, ऑप्रेस विद, वैसे तो स्क्वीज करना मतलब निचोड़ना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग है वो है ऑप्रेस विद एग्जैक्टिंग डिमांड, परेशान करना डिमांड्स के साथ, ठीक है, मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम को परेशान कर सकती है और डैम्पन कर सकती है। डैम्पन मतलब क्या होता है, जब कोई एक्टिविटी कम इंटेंसिव होती है उसे डैम्पन कहते हैं, जो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एंड डैम्पन कंजम्पशन फर्दर, कंजम्पशन पहले से ही कम है, रिकवर नहीं हो रहा, अब ये जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं और प्राइस राइज है इनकी वजह से कंजम्पशन और कम हो जाएगा, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। यस, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड लाइकली टू रिमेन सो इन 2022-23। हाँ, इंडिया जो है वो सबसे तेज बढ़ने वाला इकोनॉमी है और ऐसा कब तक रहेगा, 2022-23 तक, ठीक है। बट द राइजिंग टाइड इन द पास्ट ईयर इज नॉट बीन इनफ टू लिफ्ट ऑल बोट्स स्ट्रैंडेड इन द ट्राइटस ऑफ द पेंडेमिक एंड द स्लोडाउन दैट प्रीसीडेड इट। जो राइजिंग टाइड है मतलब कि जिस किसी चीज, राइजिंग टाइड एक टर्म है, इन इडियम है, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन द अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। तो जो हमारा यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की बात हो रही है, इस ये जो राइजिंग टाइड है मतलब ये जो बढ़ी हुई चीज चल रही है, ठीक है, जो ग्रोथ चल रही है पिछले साल की, वो बहुत ज्यादा सफिशियंट नहीं हुई है टू लिफ्ट ऑल बोट्स स्ट्रैंडेड इन द डेट्राइटस ऑफ द पेंडेमिक। इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, डेट्राइटस होता है, तो वो सफिशियंट नहीं हुई है किस चीज के लिए, जितने जितनी नाव खड़ी है हमारी उसको, नाव जितनी नाव खड़ी है उनको किनारे लाने के लिए, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए। इन अदर सेंस ये थोड़ा यहाँ पे सेंस थोड़ा अलग जा रहा है, ठीक है। तो जितनी नाव खड़ी हैं उनको ठीक करने के लिए, कहाँ खड़ी हैं, डिट्राइटस में, मतलब कि रिमेन्स समथिंग दैट इज बीन डिस्ट्रॉयड और ब्रोकन अप। डिट्राइटस एक ऐसी चीज होती है जहां पे सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसके बाद जो बचा होता है उसको डिट्राइटस बोलते हैं, ठीक है। तो पैंडेमिक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी कुछ नाव बची हैं उनको ठीक करने के लिए की बात हो रही है। तो ये था आज का सेशन, थोड़ा टफ था, दोबारा सुनिएगा, हो सकता है थोड़ी हेल्प और मिले, थोड़ा वर्ड से कॉन्सेप्चुअल सेंस और समझ में आए, ठीक है। तो ये था, और अगर आपको और वीडियो देखनी है तो यहाँ आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वर्ड पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।